पहली ट्रिप थी उनकी। और ये इतना नजदीक होने के बावजूद भी मैं पहली बार एक क्रॉस कर रहा हूँ टनल। बताओ मोनिका से लग रहा है जैसे क्या, तो मोनिका को भी अच्छा नहीं लगा ये चीजें। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो कल का भी लोग आपने देखा पूरा मुर्डेश्वर से था। अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं लगभग 6 बजे और हम उठ गए बिल्कुल सुबह ही। आज सुबह में उठ के अभी हमारा प्लान है कि भाई बीच की तरफ थोड़ा जाएंगे और बीच पे घूम के आएंगे। वैसे कल शाम में भी हम वॉक करने गए थे, काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ का बीच हमें। मतलब इवनिंग में बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा था और सनराइज होने वाला है थोड़ी बहुत देर में। तो अभी पीछे की तरफ से हल्का हल्का दिखने लगा है, उतना रेड हो गया एरिया जहाँ पर क्या सनराइज होगा। तो अभी मुर्डेश्वर में ही है, आज थोड़ा सा घूमेंगे अभी यहाँ पर, देन उसके बाद में फिर आगे के प्लान जो है वो करेंगे। तो देखो अपना इधर भजन वगैरह चलने शुरू हो गए, पीछे सनराइज स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग का ऐसा व्यू है ये देखो। और ये ना हल्का हल्का देखो धुंध आपको दिख रही होगी ज़मीन से ऊपर, ये पूरा थोड़ा सा रहता है सुबह सुबह में हल्का सा जो वेदर है, अभी धुंध वाला हो रखा है, सनराइज होने वाला है, थोड़े थोड़े बादल है जिस वजह से कि अभी प्रॉपर सनराइज नहीं हुआ है। बाकी ये सुबह ही लोग आ गए जी बीच पे, इधर स्विमिंग वगैरह एंजॉय करने लगे हैं सुबह ही आके, गाड़ियाँ लग गई इधर। ऐसा कुछ व्यू है अभी मॉर्निंग का मुर्डेश्वर से। बाकी इधर तो अपने पूरा देखा ही है, शांत है एकदम सी। अभी लो टाइड होने लगा है और जब हाई टाइड होता है तो फिर आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते गाड़ियाँ लेके। लो टाइड में आप आगे तक गाड़ी लेके जा सकते हो इधर। तो जी ये देखो जी सनराइज हो चुका है, थोड़ा सा लेट आया और अब ये धीरे धीरे धुंध हटनी शुरू हो जाएगी जो दूर तक दिख रही है आपको। अभी चलेंगे नाश्ता करते हैं पहले और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से मुर्डेश्वर से, आज बाय बाय बोल देंगे। एक दिन का ट्रिप, बड़ा प्यारा सा ट्रिप रहा ये। तो ये अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है और ये है कॉम्प्लीमेंट्री बफे लगे हुए हैं इधर, हाँ उधर की तरफ लगे हुए हैं बफे सामने। तो ये खाते हैं पहले पेट भर के फिर चलेंगे। तो जी ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना, अभी बस यहाँ से है निकलते हैं फिलहाल। ये देखो बस अभी बिलिंग विलिंग करके चलते हैं यहाँ से। तो जी अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर। तो एक दिन का टूर था हमारा ये और हमने खूब एंजॉय किया, 20 घंटा हो गया। हाँ काफी एंजॉय किया हम लोगों ने और फुल मजा आया। क्यों संभाजी बाबू हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मजा जो किया है उन्होंने किया है, हम दोनों सीधे आदमी है ऐसे ही बैठे रहे बस। वो ये बोलते नहीं बहुत ज्यादा, वो फुल मस्ती की उन्होंने सी के अंदर पूल के अंदर, टाइम पास भी किया हमारा। हाँ हाँ टाइम पास भी किया, पूल तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। चलो जी ये है मुर्डेश्वर और अब निकलते हैं यहाँ से। सुबह सुबह का माहौल ऐसा हो रखा है, सामने सूरज की लाइट पड़ रही है, थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर लाइट नहीं पड़ेगी सूरज की। पतला रोड है, हम उल्टा तो नहीं है? नहीं नहीं हम सीधे हैं, हम सीधे हैं, वो हटते नहीं है, तो पैदल है ना। पहुंच गए होनावर और अगर आपको जाना है जोगफाल तो ये इधर जोगफाल के लिए रास्ता है। हाँ कितना किलोमीटर है जोगफाल यहाँ से? 61 किलोमीटर और सागर भी उधर ही पड़ेगा। हाँ और बाकी इधर से आप निकल जाओगे गोवा कारवार इधर की तरफ। अभी डीजल डालना है गाड़ी में ना। इस
हाईवे पे जब भी आप ट्रेवल करते हो तो ग्रीनरी बहुत मिलेगी आपको देखने को, और साथ के साथ अगर आप बरसातों में आ रहे हो तो अलग ही नज़ारे होते हैं इस हाईवे के। मानसून में तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है हर जगह, ये जितने पहाड़ है ना सबसे पानी आ रहा होता है नीचे। काफी अच्छा बनाया है, देखो इधर की तरफ पूरा ग्रीन हो गया ना, और ये सामने पूरा पहाड़ को यहाँ पे पेंट वेंट किया है, उसके अंदर से ये पानी टपकता है जब ये बरसातें होती हैं, जो पाइप लगे हुए हैं ना उनमें से पानी आता रहता है। अभी हम पहुंचने वाले हैं, कुमटा क्रॉस हुआ है और अब कारवार पहुंच जाएंगे थोड़ी देर, गोकर्णा, गोकर्णा के बाद फिर आगे कारवार पड़ेगा। तो जी हम अभी रुके हुए हैं, गाय के लिए हम चावल लाए थे तो वो चावल खाने में लगी हुई है गाय प्लेट के अंदर। ये है देखो काजू के झाड़, और अभी इधर काजू आ रहे हैं, इधर के काजू सही लग रहे हैं, इस बार गोवा में बहुत कम है। ये देखो ये सब काजू लगे हुए हैं, अभी स्टार्टिंग है इनकी, ये इधर की तरफ। तो गोकर्णा हमने क्रॉस कर दिया है, ये अगली रिवर आ गई है, हाँ रावती ना, रावती है हाँ, इधर लिखा हुआ है नाम कहीं पे, अभी देख के पढ़ के बताता हूँ। गंगावली रिवर है ये इधर, और अभी हम थोड़ी देर में कारवार पहुंच जाएंगे, अंकोला आएगा, अंकोला के बाद कारवार। और नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं इधर, व्यूज बहुत बढ़िया मिलते हैं। ये लो जी टोल क्रॉस कर दिया हमने लास्ट वाला, कौन सा ये कुछ नाम बताया था इन्होंने भूल गए, अंकोला से आगे समझ लो आप, खोल दो भाई। चलो जी फास्ट टैग लगाने का फायदा हो गया, नहीं तो हम कितना देते 220 440 और आने का भी 440 दोनों तरफ का इतना लगता। यहां से पूरा सी दिखता है आगे तक, ये थोड़ी थोड़ी दूर पे बीच में सिंगल रोड मिलते रहते हैं। यहां से पूरा नीचे का व्यू होता है बहुत ही प्यारा, ये एरिया पूरा नेवी का है इधर। हम पहुंच चुके हैं कारवार, उसकी पहचान है ये रही टनल, तो कारवार वाली टनल आ गई जो आपने जाते हुए भी देखी होंगी। फिलहाल जल्दी और पहुंच जाएंगे, अब जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी हम जल्दी पहुंचे। आपको कैसा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए, मजा आ रहा है ना, आपने एंजॉय किया ट्रिप? हां वो पहली ट्रिप थी उनकी, हां बहुत मजा लिया, हां पहली ट्रिप थी उनकी, ऐसे अरे इतना नजदीक होने के बावजूद भी मैं पहली बार एक क्रॉस कर रहा हूँ बताओ तो बहुत कम जाते हैं गाड़ी से इधर, एक्चुअली ज्यादातर वो गोवा के अंदर ही जाते हैं, मार्केट तक कारवार मार्केट, हाँ कारवार से आगे नहीं आते ज्यादा। गोवा में दोबारा एंटर हो गए हम, कर्नाटक छोड़ दिया है, अब कारवार बॉर्डर की तरफ से एंटर हो गए अंदर। इधर ये गोवा पुलिस, गोंचे पुलिस, गोंचे तो जी फाइनली पहुंच गए अपने कैफे पे, ये देखो मोनिका भी साथ हो गई,
तो दो दिन एक ही दिन मतलब मोनिका से अलग रहा जैसे क्या, तो मोनिका को भी अच्छा नहीं लगा ये चीजें। मेरा छोड़ो, मेरा तो मैं खुद ही बताऊंगी, आप बताओ आपको कैसा लगा। अच्छा लगा, मतलब हमने एंजॉय किया तीनों ने खूब, पर क्या है कि बहुत दिन के बाद अगर बाहर जाओ फैमिली से दूर हो तो थोड़ा सा रहता है कि फोन उन पे बात करो चलो, तो थोड़ा बहुत लगता है हल्का सा पर ज्यादा नहीं। तो जी फिलहाल अपने बैठे कैफे पे एंड पहुंच गए घर ठीक ठाक एकदम बढ़िया हालत में एंड तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को और अभी तक आपने नहीं किया है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।